ये हैं श्री श्री 1080 राजवीर जी ढांगी। नमस्कार दोस्तों, मैं सुरताराम स्वामी। मेरे YouTube चैनल आर्ट लाइन SR स्वामी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने मंदिर के अंदर का या जो ये प्राइमर है, अंदर और बाहर ये दोनों तरफ जो प्राइमर है वो कंप्लीट हो गया। और प्राइमर कंप्लीट करने के बाद हम कलर इस पर लगाना शुरू कर दिया है, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। यह देखिए, काफ़ी खूबसूरत तरीके से इस मंदिर को बनाया था दादा श्री ने। और ये देखिए, पूरे मंदिर परिसर पर जो प्राइमर था वो कंप्लीट हो गया। और बाहर के लिए हमने ये कलर बनाया है। देखिए, ये कलर पूरी तरह से बाहर के एरिया में आएगा। और ये है मेरे दादाजी का, जिसे हम पुजारी कक्ष कहें तो काफ़ी अच्छा लगेगा। ये पुजारी कक्ष, और इसमें अभी प्राइमर और कलर नहीं आया है क्योंकि इसमें सामान कुछ ज़्यादा है। तो ये सामान बाहर निकालने के बाद ही हम इसमें, बाहर का जब कलर हो जाएगा तब इसका सामान पूरा बाहर निकालेंगे और कलर है वो कलर करेंगे। तो अभी तो ये चल रहा है, जहाँ टांके भरने हों वहाँ पुट्टी से टांके भरे जा रहे हैं। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये क्रैक फिल, ये भी यूज में हमने लिया। और सिलन के लिए जो आता है एशियन पेंट का, सिलन के लिए एशियन पेंट का आता है ये आप देखेंगे, ये देखिए, ये LOC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है ना, ये हमने सिलन के लिए इसमें लगाया। ये बालाजी मंदिर और बालाजी मंदिर की परिक्रमा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ से हमने कलर शुरू किया है, बाहर का कलर शुरू किया है। आइए लेकर चलते हैं श्री चैतन्यदास जी महाराज के छोटे से मंदिर की तरफ। और ये लगा हुआ है राजवीर कलर का पहला कोट लगाने में। तो ये कलर का पहला कोट हमने शुरू कर दिया और यहाँ से ही शुरू किया है। अभी हमारा प्राइमर कंप्लीट हुआ था और प्राइमर कंप्लीट होने के बाद ही हमने ये शुरू किया। ये हैं श्री श्री 1080 राजवीर जी डांगी। ये है मेरे परम मित्र राजवीर डांगी। ये अपना भी कलर का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी लेते हैं, और मेरे साथ भी ये, जब मैं ज़्यादा दबाव में होता हूँ तो मेरे साथ काम करवाने भी आ जाते हैं ये और इनकी पूरी टीम, जिसमें से आज एक सदस्य हमारा बुखार की वजह से नहीं आ पाया और दूसरा सदस्य ये बाजू में ही लगा हुआ है, मिस्टर आरिफ खान। इसके सिर पर फिलहाल भूत चढ़ा हुआ है दुबई जाने का, तो ओमान दुबई की बजाय ओमान जा रहा है। कि दुबई वाले जाने नहीं दे रहे क्या तेरे को? अच्छा, तुम्हारी एंट्री नहीं है, बैन हो दुबई से। चलो, ये जा रहा है ओमान, और 24 या 25 तारीख को ये इसका फ्लाइट है। तो मेरे आइडिया से 25 को है ना आरिफ, 28 को। ये तो आगे बढ़ती जा रही है, मुझे 24 को बताया और अभी कल 25 की बात रही थी और अभी तुम बोल रहे हो 28 को जाओगे। इसका मतलब तुम्हारा ओमान यही है हमारे बाजू में? नहीं, जाओगे, पक्का जाओगे? यार, ये ओमान जाने का भूत तुम्हारे सिर पर कहाँ से सवार हुआ? हम पहले रह के आए हैं भाई साहब। कहाँ पर रह के आए? हम जाएंगे उधर ही। नहीं, ओमान में उधर क्या तुम्हारे लिए कोई खाली जगह है? हाँ, हमारे लिए बहुत जगह है। कितनी? पूरी कंट्री, पूरा भारत खुला हुआ है। काम पे नहीं, भारत खुला हुआ है ना, ओमान थोड़ी तेरे लिए खुला हुआ है, भारत तो खुला हुआ है। ओमान गया था मैं 2011 को। अच्छा, 2011 को गया, और फिर वहाँ से ओमान की सरकार तुम्हें घर पे छोड़ने आई या खुद आए? नहीं, मैं खुद ही आ गया। वो तो बोलते थे चलो छोड़ के आए, लेकिन मैं खुद ही आ गया। वही वो प्रेस रावल वाली दोपहर तक की मार्कशीट वाली हुई है ना, तो तुम खुद आ गए। मैंने बोला आप तकलीफ करोगे, मैं खुद ही चला जाऊंगा। अच्छा अच्छा, नहीं बढ़िया किया यार, अच्छा हुआ तुम आ गए। तुम्हारे ये जो दुर्लभ दर्शन है वो हमें भी देखने को मिले 3 से 4 साल तक। अभी ओमान वालों की ये किस्मती, बदकिस्मती कहूँगा कि तुम वापस जा रहे हो वहाँ पर। चलो, अपनी अपनी मजाक का एक अलग लहजा होता है, अलग टाइम होता है, पर ये मेरा भाई वाकई में ये ओमान जा रहा है, और जब तक इसके दिमाग से ये भूत नहीं निकलेगा ओमान वाला, तब तक ये मानेगा नहीं किसी के कहने पर और ये जाएगा।
तो हम जितनी देर में ये एक से दो मिनट तक हमने बातें की तब तक राजवीर ये यहाँ तक कंप्लीट कर पाया है अपना कलर। तो चलो दो बात हम राजवीर से भी करते हैं। हाँ मिस्टर राजवीर बोलिए, अपने बारे में कैसे हो? मैं हाई पेंटर राजवीर डांगी। हाँ। माय कॉन्टेक्ट नंबर 9529486080। हमसे कलर कराने के लिए संपर्क करें। वाह वाह वाह, तुम मेरा नंबर भी बोल सकता था ना। मैं और तुम अलग थोड़े ही हो। याद नहीं मेरे नंबर तो सीधे यार VIP नंबर है मेरे, सब जानते हैं मेरे नंबर तो। चलो खैर कोई बात नहीं, अपने नंबर बताएं अच्छी बात है। और ये राजवीर डांगी काफ़ी भले आदमी हैं और मेरे लिए तो वाकई में भले हैं। ये 3 से 4 साल से लगातार मेरे साथ काम कर रहे हैं और हमारी इतनी गहरी मित्रता हो गई है कि ये जब आरिफ अमान जा रहा है तब भी हमें बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ एक रिवाज है कि या तो किसी के साथ दोस्ती करो मत और दोस्ती किया तो कभी तोड़ो मत। तो ये आरिफ है वो जा रहा है ये अलग बात है, पर अभी हमारे पास यूनुस और राजवीर डांगी हमारे साथ ही रहेंगे। तो राजवीर डांगी और कुछ कहना चाहोगे अपने कलर के बारे में? हाँ हाँ चलो मैं कह देता हूँ, आने वाली नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर कहूँगा। तो ये मंदिर का जो कलर है वो अभी हम ये मानिए आप 3 से 4 दिन में लगभग मंदिर का कलर के जो है ना वो कंप्लीट हो जाएगा, पर इसके अंदर की जो पेंटिंग्स हैं वो पेंटिंग्स हमें थोड़ा रुक कर बनाना पड़ेगा, क्योंकि पेंटिंग्स का देखते हैं क्या होता है। पर काफ़ी अच्छी आभा बिखेरता है ये मंदिर और ये कलर आने के बाद में इसकी खूबसूरती है वो देखते ही बनेगी। तो बने रहिए आप मेरे वीडियो पर। और इससे मैं आपका परिचय कराऊं तो ये मेरे गांव के प्रसिद्ध मिस्त्री श्री जगदीश प्रसाद प्रजापत और ये हैं श्री तुलसा राम जी प्रजापत के बड़े बेटे। और ये हमारे गांव में जो मिस्त्री का काम होता है वो पूरा मिस्त्री का काम ये करते हैं, प्रसिद्ध है हमारे गांव के अच्छे भले मानुष। अच्छा दोस्तों मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। अच्छा दोस्तों राम राम, जय हिंद, जय भारत, जय शिव शंकर।